और अब एक जनमन एक्सक्लूसिव, वो खबर जो आप सिर्फ जनमन पर देखेंगे। पिछले साल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का संबंध रूस से है। जनमन में कल हमने आपको दिखाया रूस और भारत का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत को इसी कवरेज के दौरान ये बड़ी खबर पता चली। रूस के व्लादिवोस्टोक में भारत और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हुआ। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने रूस की सेना के तीनों अंगों के साथ मिलकर युद्ध का अभ्यास किया। भारत और रूस के बीच 70 साल पुरानी दोस्ती की मिसाल बटालियन कैंप में देखने को मिली। सबसे पहले जो हमारी नजर जाएगी तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर तस्वीर दिखाई देती है, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर। और ये सब जो जनरल्स हैं, रूसी सेना के जनरल्स हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक अहम भूमिका निभाई थी, मार्शल्स की इनको पदवी दी गई है, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। ऐसे ही आगे जाएंगे तो हमारे परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। दोस्ती की इस मिसाल की एक और कहानी सामने आई जिसके बारे में आपको शायद ही कुछ पता हो। पीओके में घुसकर आतंकियों पर प्रहार, सर्जिकल स्ट्राइक का रूस कनेक्शन। पिछले साल 29 सितंबर को भारत की सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, कई आतंकियों को मार गिराया था। अब खुलासा हो रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक में रूस का कनेक्शन था। रूस कनेक्शन नंबर एक, रूस के हथियारों से आतंकियों का संहार। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उन्होंने जिस क्लाशनिकोव राइफल यानी AK-47 से आतंकियों को मौत के घाट उतारा था वो रूस में बनी थी। AK-47 350 मीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मनों को ढेर करने में सक्षम है। इससे एक मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकती हैं। क्लाशनिकोव राइफल का वजन करीब 4 किलो है। रूस कनेक्शन नंबर दो, रूस से दिए गए गोला बारूद। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बने हालात में भारत को युद्ध की संभावना थी। लंबे युद्ध की आशंका को देखते हुए भारत ने रूस से मदद मांगी और रूस ने बेझिझक 70 साल पुरानी दोस्ती निभाई थी। भारत को जब भी कभी किसी हथियार की, हेलीकॉप्टर या फिर पनडुब्बी तक की भी जरूरत पड़ी तब रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा नजर आया। हाल ही में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की और भारत को लगने लगा कि अब एक लंबा युद्ध हो सकता है दुश्मन के साथ और भारत को गोला बारूद की जरूरत हो सकती है, तब भारत ने रूस से मदद मांगी और रूस ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को एक बड़ी मात्रा में गोला बारूद सप्लाई कर दिया। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद रूस ने रातोंरात बड़ी मात्रा में भारत को गोला बारूद पहुंचाया था। देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी होने के कारण हम आपको ये नहीं बता सकते कि रूस ने कितनी मात्रा में गोला बारूद दिया और किस रास्ते से ये गोला बारूद भारत की जमीन पर पहुंचा था। पिछले 70 साल से भारत का रूस से गहरा सैन्य संबंध रहा है। हमारी जो मैत्री है और हमारी जो फ्रेंडशिप है 70 साल पुरानी है और इन 70 सालों में इंडिया और भारत और रूस के बीच में जो हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन है वो सबसे एक अहम और महत्वपूर्ण एक हमारा एक पिलर रहा है रिलेशनशिप का। रूस ने ये भी साफ कर दिया है कि भारत के साथ उसके संबंध जैसे हैं वैसे किसी और देश के साथ नहीं हो सकते। भारत भले ही अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश के आज करीब आ रहा हो लेकिन अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त का साथ कभी नहीं भूल सकता। रूस के व्लादिवोस्टोक से कैमरा पर्सन सचिन कपूर के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट।